हम लोग आए हुए हमदिया हाई स्कूल। क्या कहेंगे आप आज ये जो कार्ड मिल रहा है जिसमें 2.5 लाख रुपए की योजना है, आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगी? इसमें तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे को ये फैसिलिटी मिलेंगी तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई परेशान है बीमारी से, इसमें मुब्तला। हॉस्पिटलों में जाओ तो इतनी प्रॉब्लमें होती है, पैसा लाओ करो, इसके लिए ये कार्ड हमको मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। क्या बोलेंगे आज ये जो आप लोगों को कार्ड मिल रहा है? अच्छा है, मिल रहा है, तबीयत ठीक नहीं है और इसके साइंस से आए हुआ इतने लंबे से, आप लोग की मेहरबानी है तो दे रहे हैं। मैं तस्नीम बात करूँ छूँ, मैं हमने जाता जाता बोर्ड वाचो ऑलमा इंडिया नू, तो मैं शकील भाई से कॉन्टेक्ट करो तो मैं जोयू अने ने कॉल करो तो मैंने कीधुँ कि तुम्हारे हेल्प मल से 2.5 लाख ने। हमें अमरा हालात तो एवं बढ़ा ने कि हॉस्पिटल में जाए तो कापी नहीं सकता बिल, तो एना हिसाब से मैं यहाँ आई ने मैं कार्ड लीधो है ने मैंने शकील भाई हेल्प करी है ने थैंक यू गवर्नमेंट ने भी ने बड़ा ने बड़ी टीम ने थैंक यू कहूँ छू। हमारे को मालूम पड़ा इधर कार्ड बन रहा है इसके लिए हम लोग इधर आए, बना के दे रही है यहाँ पे, हम लोग को मालूम पड़ा सस्ता यहाँ पे कार्ड बना के दे रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्ड बनाने के लिए आए हैं। इसमें कम से कम 2.5 लाख रुपए की स्कीम है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को और इन लोगों को क्या कहेंगे? संस्था के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, जो अपना राजीव गांधी योजना था वो अभी बंद, मतलब उसका ट्रांसलेशन महात्मा ज्योतिबा फुले में किया हुआ है। एक जानकारी पत्र है, जैसे अपने रेशन कार्ड आधार कार्ड के द्वारा अपन कौन से अस्पताल में और कौन से बीमारी के ऊपर फ्री इलाज में, फ्री पैसे में या कम पैसे में अपन ये इलाज करवा ले सकते हैं, उनका रेशन कार्ड में नाम होना ज़रूरी है। और वहाँ पर जो अपना पैनल आएगा, जो जानकारी पत्र हम लोग दे रहे वो अपना महात्मा ज्योतिबा फुले इसके आधार पे है। राशन कार्ड कौन से कलर का होगा? रेशन कार्ड अपना ऑरेंज कलर का होगा और उसका जो उत्पन्न आता है लिख के उसका 1 लाख के अंदर होना चाहिए, उस व्यक्ति को ये स्कीम लागू है। आइए जानते हैं मुंबई के जो अध्यक्ष है ऑलमा बोर्ड के आरिफ मेमन, बापू के नाम से फेमस है, आपको ये अचानक कैसे पता चला और आपने ये स्कीम करने के लिए क्या मुद्दा उठाया गया? ये तो बहुत दिन से मालूम था ये स्कीम चल रही है, और स्कीम चलने की वजह अपने यहाँ के जितनी भी मियाँ भाई लोगों कोई भी दूसरी भी पोखाओं में जिसको जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो लोग भागम दूरी करते कि जाने में आने में कलेक्टर ऑफिस में आने जाने में टाइम लग जाएगा, हम लोग बना नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम लोग ने ये सोचे इसके एक स्कीम रखेंगे कि अपने इलाके में जितने भी अपना बम्बई में जितने भी वो सबको हम ये कार्ड बनाने की देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्कीम कार्ड इसकी वजह से कि पब्लिक को थोड़ी राहत मिल जाएगी कि इंसान आज की तारीख में हॉस्पिटल में जाता है ना तो कुछ दिमाग में नहीं सोचता है, इधर भागता है, इसकी हेल्प मांगता है, उसकी हेल्प मांगता है, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी अच्छी हेल्प है तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। इसलिए हम लोग ये कार्ड बना के दे रहे कि इंसान को भी इसमें कितनी हॉस्पिटल है सब नाम लिखेगा और कितनी जात की बीमारी है वो लिखे, वो उसके टच करके अपने इलाके में जाके, जैसे रायगढ़ में आगे दूसरी हॉस्पिटल है, न्यू बम्बई के लिए दूसरी है, हर इलाके में इतनी इतनी हॉस्पिटल बांटे 132-135 बम्बई के अंदर जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। कितने लोगों को अब तक आप लोगों ने स्कीम का जो कार्ड है जो भी फैसिलिटी यहाँ से बांट चुके हैं अभी तक का आज का समझो 600-700 तक जाएगा, कल 400-500 बने, 1200-1500 तक अभी तक जा रहे, बस अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे और ये स्कीम हम लोग आगे चालू रखेंगे कि पूरे बम्बई की पब्लिक को बेनिफिट और फ़ायदा हुए, अल्लाह ताला लोग के काम में आवे। अल्लाह पहली बात तो बोलते ही हॉस्पिटल की बीमारी से अल्लाह बचावे, पर जहाँ तक अगर बचने के बाद अगर कुछ होता है तो ये हॉस्पिटल में कार्ड आपको बहुत बड़ा काम आएगा इंशाल्लाह। और जानकारी के लिए और आजू बाजू वालों को भी अगर मेरी आवाज़ जाती है तो आप अपने इलाके के आगे कार्ड बनाइए, ये आज का लास्ट दिन है, कोई बात नहीं फिर 10 दिन का फिर वापस कैंप बनाएंगे, आगे चलते रहेगा, हर महीने में एक एक बार चालू करेंगे अल्लाह का। ऑल इंडिया के और इस एरिया के समाज सेवक हमारे साथ शकील मनियार वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आप ये बताइए कि आपने ज़्यादा कौन से हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे लोगों को ये कार्ड बांटने में मदद की है? हॉस्पिटल का तो ऐसा ही है कि सरकार के जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारे जो कार्ड है उसमें दिया हुआ है कि कौन से हॉस्पिटल में ये चलेगा, और जितने भी हमारे एरिए में हमने बांट के दिया है वाइज वार्ड वाइज, ए सी वार्ड है, बी वार्ड है, ई वार्ड है, तो जिनके वार्ड में जो हॉस्पिटल आता है वो ज्योतिबा फुले का जो कार्ड है बना के दिया हुआ वो उसमें वो हॉस्पिटल में एक काउंटर रहता है हर हॉस्पिटल के अंदर ज्योतिबा फुले का, वहाँ जाके अपना ये कार्ड दिखा के उनके हिसाब से जो बेनिफिट मिल सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से बीमारी के हिसाब से वो उनको मिलेगा,
ऐसी हम आशा करते हैं, गवर्नमेंट से भी यही आशा करते हैं। आप लोग बापू के साथ जुड़े हो, बारिश पानी का टाइम है फिर भी आप लोग लगे हुए, इसमें आप क्या कहेंगे? भाई माशाल्लाह 3 साल से बापू के साथ में जुड़ा हूँ और इनके साथ में काम करने को बहुत मज़ा आता है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं और तकरीबन और नई स्कीमें आने वाली है, जैसे कि सीनियर सिटीजन की बात की है, अभी कार्ड बनाने की बात की है बापू ने, इंशाल्लाह और नई स्कीमें इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग इस चीज़ को कायम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे बापू ने जो भी काम किया है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया है और उनके जो काम के उनका मैं सराहना करते हुए लोगों को बधाई देते हुए, खास करके बापू उलमा बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है मनियार साहब है और जो सेक्रेटरी साहब है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कौम के लिए काम किया है। आरिफ बापू के साथ काम करता हूँ क्योंकि ये जो कौम तक ये जो बात पहुँचती नहीं है, आज आरिफ भाई ने पूरी कौम को जहाँ तक पहुँच सकते थे अपनी नींद से बेदार होकर लोगों तक ये काम किया और मैं इनके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ इनको कि आगे इसी तरह के काम करते रहें। और शुक्रिया शुक्रिया चैनल। हमारे साथ में देखिए महिलाएं भी जुड़ी हुई है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे आरिफ बापू के साथ? आप लोग बारिश काफ़ी हो रही है बाहर लेकिन आप लोग कंटिन्यू ये काम में लगे हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट उलमा बोर्ड की, और हमारे जो टीम वर्क ये जो 3 दिन की मुहिम है और दिल जान से सब कर रहे हैं काम, और बार बारिश है मगर इसका बेनिफिट जो फ्री मेडिकल कार्ड कैंप का बेनिफिट उठाने लोग इतने बरसात में आ रहे हैं तो हमको तो ये करना ही है, तो बस लोगों की दुआ चाहिए ये उलमा बोर्ड को और आगे भी बहुत सारा काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट जुलेखा शेख हूँ। हे प्रत्येक जाती धर्मासाठी आहे ही योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना आहे ही, सगळ्यांनी ह्याचा लाभ घेता येईल। आणि इथे पण आहे ते सगळे जाती धर्माचे सगळीकडून, म्हणजे ऑल साऊथ मुंबई वरून सगळी लोक इथे आलेली आहेत आणि आत्तापर्यंत 700-800 पर्यंत कार्ड आम्ही हे केलेले, अजून पण 300-400 संध्याकाळपर्यंत होतील। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, मेरा नाम नफीसा मलिक है, मैं लायन्स क्लब से हूँ, लायन्स क्लब ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, और बापूजी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मतलब ये हमको इनवाइट करते जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं हमेशा आती हूँ, इनके साथ में जुड़ी हुई हूँ ये क्लब इनके साथ में, और मेरे को बहुत अच्छा लगा जो अभी महात्मा जी फूले के नाम से मतलब ये सब कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स लोग का मतलब दे रहे हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं और उन लोग को फ्री चेकअप सब कुछ हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया बापू जी जो आपने हमको इन्वाइट किए और हम यहाँ आए और हम आपसे पहले से जुड़े अभी भी जुड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। भी आए हैं आप लोग, आए हो ये जो स्कीम बांटी जा रही इसमें आप क्या कहेंगे? कार्ड दिया जा रहा है इसके अंदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से ये कार्ड बांटा जा रहा है, महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ड है ये, इसके अंदर 105 बीमारियों का इलाज है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसमें डिस्काउंट है और प्राइवेट के अंदर भी है इसके अंदर, तो इसके लिए मेरा बोलना ये है कि जो भी यहाँ की आवाम है वो आए और ये कार्ड का फ़ायदा उठाइए। ये थे रफ़ातुल्ला और हमारे साथ है हाजी अमीन, अक्सर आप देखे होंगे समाज सेवक में चर्चा में रहते हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है और ये स्कीम लॉन्च होने के साथ जो गर्दी में देख रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे मोहल्ले के और यहाँ के विधानसभा के लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे बढ़ चढ़ के, ये बहुत खुशी की बात है और इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगी ये स्कीम। इससे पहले राजीव गांधी स्कीम में 1,20,000 की बेनिफिट मिल रही थी, इसको दुगना कर दिया गया है और सीधा 2,50,000 की बेनिफिट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए इस एरिया में भिंडी बाज़ार नल बाज़ार में समाज सेवक में आरिफ मेमन जो है बापू के नाम से फेमस है, शकील मनियार है, ये लोग भी एनजीओ है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि लायंस क्लब हो और कोई समाज सेवक हो, सब बापू के साथ में मिल के कंधे से कंधा मिला के ये लोग इस एक अच्छे काम में पहल किए आगे बढ़े। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर के तले जिस तरह से बापू ने हर काम की अच्छी शुरुआत की है तो यहाँ भी ये काम जो आपको दिख रहा है आगे और कितने आगे ऊँचाई पर जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टैम।